वाइस वाइस नेचुरल यो करा पाकिस्तान सेक्टर जा दई बतलो का की काफी खिदमत भी हुई तो आई हूं मैं नहीं आई मतलब एकरो मजीद जान कर भी चाहिए एक्चुअली जिन सोशल एक्टिविटीज के अंदर मैं काम करू था या नारा तो कि मेमन कम्युनिटी जे लाई करी ने घना चैलेंजेस इन तो पांजी कम्युनिटी जा पा मसला जितरा थी सगन पा हल करायूं ने जो गाल असा करिया जी मीटिंग के अंदर में कि आज इन दफा जो है असा जो वर्ग असा इनके मनाइन की कोशिश करना है कि इम्प्लॉयमेंट बोर्ड ने पांजी बिरादरी के अंदर में से जो है ना बेरोजगारी के पा खत्म करी दियो ये बड़ो बहुत बड़ो सेगमेंट है कि बेचारा बच्चा जो है वो इंग्लिश जो है ना एजुकेशन उनसे महरूम इन इनके जॉब नहीं जिन वजह से पा अगर ये समझो आसान से लफ्जे में कि पा कोई के पैसे से मदद करूं इनसे बेहतर है कि उनके एवड़ो बनाई दीजिए कि वो पोते जो है ना रोजगार पोते जो करी ने तो इन लगी ने पांजे के वड़ा वड़ा सेठिया मौजूद इन जो पाकिस्तान पूरे जंदर में नारो तो वड़ा वड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इन हर कंपनी जो मेमर जी कंपनी है उनमें तकरीबन 400-500 वड़ी कंपनी जो कम करी रही वो मिनिमम माड़ू हूं था तो वो मेमर के पाकुरे लेना उन्हीं के उड़ा बनाई जे उन्हीं के उनके पा कम कराई जे तो हकड़ो असो जडे नारूम के कम्युनिटी पांजी ले करी ने घना अपॉर्चुनिटीज इनके पा इन की हेल्प करी सकूं था हकड़ो प्लेटफॉर्म अड़ो है कि आईएमओ पूरे इंटरनेशनली आए तो सिर्फ ना के पाकिस्तान की गाल करा इम्प्लॉयमेंट पूरे दुनिया के अंदर में थी सके थी अकड़ी पूरी दुनिया के अंदर में पा बिजनेस करने अकड़ी पैसे मिली सकूं था तो अकड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पा बदे जाना अकड़े दुबई जो प्रोग्राम थी रो है हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम थी तो बदे बिजनेसमैन पा इकट्ठा थी ना पुते जकड़ी बीजा करो बिजनेसेस करू था उनसे बारे में खबर पूनी तो यकड़ी नवी चीज हुई हिंगड़ी सुधी पा करना ना जकात गिननी है जकात बांटनी है जकात गिननी है जकात बांटनी है ये टोटली डिफरेंट सेगमेंट है तो इनके अंदर में अपने प्राउड फील थी तो क्या पा कोई वे विनी ने पा इन्हें चुना के सेठ यार रखना 5 लाख कराई दियो 2 लाख कराई दियो 20 लाख कराई दियो पा खुले दिल से विनो था सेठ के चुते तू इनके नौकरी तो रखना मेमन के एड़ी चीजें से मत पा कम करूं कि ना के पाके भी एम्बेरसमेंट फील थी ने पब्लिक के भी लगे कि आया जी सारा माड़ू आ गया ने सारो कम करी गए बस ये असो मकसद है इन के तहत अस हली रहे हैं रहीम भाई की सरबराही के अंदर में यह सब जोड़ो उपाड़ी है आज साथ साबिक सदर रही है आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन अजीब भाई भाई अजीब भाई एक आए मेरे बारे में आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बजी से पहला तो काफी डिटेल्स थी रहीम जानू साहब भी जो आईएमओ जा सदर है वो भी डिटेल करी है याया भाई भी बहुत डिटेल्स ही बता दिया ने आसिम मजीद साहब भी बहुत डिटेल के बदी से असा जो कोई मकसद ना है कि कोई अरे इदारे से कोई टकरान जो यही ना असा जो जो एम आई वो भी वो है जर्नली जरिए से कलेक्शन ना है फंड नहीं की भी नहीं बदी से वही चीज है कि बेरोजगार के रोजगार दे रहे हैं बिजनेस में बिजनेस मैंने जी तरक्की कराई नू बिजनेस ले करी ना मारवे के राजी कर लू जो ग्रेजुएशन करन था मास्टर डिग्री करन था ने वो जो है ना नौकरी की तलाश में उन्हें के कारोबार की तरफ रागिब कर लू जो बच्चे हैं जी शादी में थी उन्हें के जो है ना रिश्ता कराए ना ये हेल्थ ले करी ने जो है ना प्रॉपर कम कर लू जो करी रहे जानू भाई भी आसिफ भाई भी तो जर्नली जो है ना ये अड़ो मसलो है कि बधी के गिनी ने हलन वाली गाल है मेमन कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पे बदी रिश्ता कायम करना तालुकात कायम करना कारोबार कायम करना उनसी जो है ना मेमन कम्युनिटी ने में वकरी आगाही थी नहीं ना कुर्बत पैदा थी नहीं ना मकना तेसी कशिश से जो है ना मेहमान हकरा थी अजीब जो सपोर्ट हासिल है ना इंशाल्लाह बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन आए ना गाँव भो या तो सपोर्ट है ना अच्छा भाई साहब या माशा जाओ भाई जो सऊदी अरब साहब जो तो मुसरी साहब मुसरी साहब को चुनू चाहना के बारे में भाई साहब माशाल्लाह असा प्रेसिडेंट साहब अब्दुल रहीम जानू भाई ने घनी चीजों के बताया है जो असि मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है असा जो कम नारो मेजर ईज है जो याया भाई पुलानी जी भी थी असा गिनन वारा न्यू असा डीन वारा बना डीन वारा इन पूरी दुनिया में वड़े वड़े मुल्क में आए वेनो सर्विसेज इंडस्ट्री है ना टॉप से आए कैनेडा उनो यूरोप में होना माने जी हेल्प करन था विदाउट मनी तो पांजो आईएमओ जो मेन मकसद ही भी है ना पांगे जका जमा करने नवाटनी है बाकी करो सर्विसेज देना सर्विसेज के लिए देना एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो खोलना है पा बच्चे के उनके एम्प्लॉयमेंट से बंदोबस्त कर देना पा मैट्रिमोनियल सर्विसेज करना पा कॉन्टेक्ट कराना फैमिली टू फैमिली एडी दे बिजनेसमैन जो कॉन्टेक्ट पा इवेंट कराए बिजनेसमैन कॉन्टेक्ट कराना से मेमन टू मेमन कॉन्टेक्ट कॉन्फ्रेंसेज के जरिए इवेंट जरिए तो आईएमओ जो मकसद बेसिकली ये है कि सर्विसेज प्रोवाइड करनी है मेमन कम्युनिटी का थ्रू आउट वर्ल्ड उनके जरिए पूरी मेमन कम्युनिटी के आस्था से अपलिफ्ट करना है ये असो मेन मकसद है क्रिकेट जो बारे में आएंगे बता नारो हाल में ये भी एकड़ी सर्विसेज जो है कि स्पोर्ट्स में भी असो भाग पूरा है वो जो वर्ल्ड कप थी रो
पूरे वर्ल्ड मेमन कप जो लास्ट ईयर थी वो पाछो बी दफा थी रही सेकंड टाइम 12 टीमों माशाल्लाह रजिस्टर थी ये भी दुबई में बहुत इंटरेस्टिंग गेम हूँ ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट से ये मैच थी रहा इंडोर क्रिकेट उनमें भी एतरो इंटरेस्ट पैदा थी कि 12 टीमों दुनिया जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका हर जगह जी टीमों अची रही मुख्य लगे तो हाल में असो इवेंट अची रो है वो इवेंट एतो सक्सेसफुल हों कि पूरी कम्युनिटी ना बल्कि दुनिया जो मेहमान आपस में कॉन्टेक्ट में भी अची वा वाह वाह करना खिला बो लग जी जरा मेंबरशिप पौना बो लग जी मेंबरशिप थी वे तो उड़ा तो उन जमात जो ऑटोमेटिक टेस्ट थी तो कितनी पब्लिक है कितना वर्थ है मेहमान आवाज के बारे में मेहमान आवाज जो कोई स्थानीय है माशाला बहुत जो लोग मेहनत करो था दुनिया में मेहमान की एक्टिविटीज के बहुत प्रमोट करो था आऊँ चाहें तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो असि दुआ ना कि अड़ी रीते खबरू मिल रही ना कौम के खबरू पुगाना रहो जिनसे वही भी आए भाग दिनी रहा कौम की तरक्की में मुझे पहली मीटिंग है या फर्स्ट टाइम इनवाइट करी मुझे बहुत खुशी थी।